आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी वैक्स से रिलेटेड और ये भी कि प्राइवेट एरिया के लिए और फेस के लिए और लेग्स के लिए कौन सी वैक्स जो है वो बेटर होती है सबसे अस्सलाम वालेकुम के साथ सब लोग मैं हूं वकास इंट्रो से आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो वैक्सिंग के ऊपर है क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो लेजर अफोर्ड नहीं कर सकती और वो मुझे बोल रही थी आप ही हमें वैक्सिंग डिटेल से बता दें वैक्स को भी कैसा यूज करते हैं वो भी बता दें पील ऑफ वैक्स कैसे यूज करते हैं वो भी बता दें पील ऑफ वैक्स किस जगह के लिए बेस्ट है और स्ट्रिप वैक्स किस जगह के लिए बेस्ट है तो वही बता दें तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वैक्सिंग के लिए क्या चाहिए क्योंकि एक हाथ पे लेजर हुआ हुआ है बाल नहीं है एक हाथ पे बाल है तो इसके ऊपर जो है वो आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगी कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना और पीला ऑफ वैक्स जो है वो मैं आईब्रोज पे अपर लिप्स पे जहां पे भी हल्के करके बाल आए हुए होंगे हम वहां पे जो है आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे ठीक है जो मेरे पास वैक्स है वो है वैक्स जो मेरे पास है वो आईकी ऑर्गेनिक की वैक्स है एक वैक्स है सॉफ्ट वैक्स ये टिन में आती है आपको नजर भी आ रहा है और ये स्ट्रिप के साथ यूज होती है और दूसरी वैक्स जो है वो हमारी पील ऑफ वैक्स है इसमें हमें इस गर्म करना होता है ना वो चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हैं तो ये वाली वैक्स प्लास्टिक की तो इसको आप ओवन में गर्म कर सकते हो ये वाली टिन में तो ये चूल्हे पे गर्म कर सकते हो लेकिन हुआ गर्म पानी होता ना वो आप किसी कंटेनर में लें और उसके अंदर इस वैक्स को रखें और जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो आप पानी का टेम्परेचर गर्म रखो बजाय वैक्स को गर्म करने से उससे हमारी वैक्स भी खराब नहीं होती एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी होती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं आपको पील ऑफ जो वैक्स है ना उसका ढक्कन ऐसे खुलता है अंदर यहाँ पे लगा होता है कि स्टॉपर ये और कलर जो है वो इसका ये है ब्लूबेरी फ्लेवर है मेरे पास और बहुत अच्छी वैक्स है पेनलेस वैक्स से इतना पेन नहीं होता और जिससे मैंने लेजर स्टार्ट किया है लेकिन पहले मैंने इसको यूज किया था प्राइवेट एरिया के ऊपर और मुझे इससे पेन नहीं होती थी फेस पे या प्राइवेट एरिया पे आप कहीं पे भी यूज करते हो ना ये वाली वैक्स जो है हमारी पील ऑफ वैक्स ये इन जगहों के लिए बेस्ट होती है इसको आप फुल बॉडी पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंसिव होती है और कम एरिया के लिए अच्छी होती है जैसे अंडर आर्म्स का एरिया हो गया फेस पे अपर लिप्स पे आईब्रोज पे कहीं आपने इसको करना हो तो लगाया और हटा लिया आपको क्योंकि स्ट्रिप्स काफी बड़ी बड़ी होती है और इन जगह पे मुश्किल होता है स्ट्रिप्स को लगाना स्ट्रिप्स को शेप देना जगह के हिसाब से तो आपने फिंगर से आहिस्ता तो है, है।, है, है।, है।, को को है और एक टाइम को हाथ से पकड़ के खेच लेते हैं जैसे अपने के से पकड़ के यू खेच लेती है और बाल खींच जाते हैं सारे जो हमारी वैक्स है वो सॉफ्ट वैक्स है एलोवेरा फ्लेवर में टिन में होती है हमें होता है यहाँ से टिन खुलता है खोल लू मैं और बहुत ही मजे का टेक्सचर है इसका और मैं इसको भी गर्म करके लाती हूँ ठीक है भाई तो वैक्स हमारी हो गई है गर्म हमें चाहिए होगा उससे पहले टेलकम पाउडर ठीक है पाउडर क्यों लगाते हैं एक तो पहले पसीना आता है ऊपर से खोफ से पसीना आने लग जाता है जब हम वैक्स करते हैं ना आपने नोटिस किया होगा कि हाथ भी गिरे होने लग जाते हैं से करते हैं है बड़ी पेन होगी बड़ी पेन होगी ऐसा कर करके तो पसीना आने लग जाता है खोफ से भी पसीना आता है जब स्वेटिंग आती है तो वैक्स स्लिप करती है क्योंकि वैक्स जो है वो चीनी की बनी होती है अब मॉइस्चर आ रहा है तो वैक्स स्लिप करेगी और आपका बाल टूटेगा फिर बाद में आपको इनग्रोन हेयर का इशू होगा जगह पे अच्छे से टेलकम पाउडर लगाते हैं ताकि वो वाली जगह पे स्वेटिंग ना हो अगर स्वेटिंग होगी तो पाउडर उसको एब्जॉर्ब कर ले दूसरी चीज है बाद में आपने एलोवेरा जेल सूदिंग जेल या फिर एलोवेरा मॉइस्ट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं आप जिससे आपको रेशिज ना बने आपको रेडिशनेस ना हो इचिनस ना हो खारिश ना हो और वो जगह पे कूलिंग और ठंडा ठंडा इफेक्ट हो बर्निंग सेंसेशन ना हो स्ट्रिप्स स्टिक वुडिन सूदिंग और फिर हमारा ये टेलकम पाउडर ठीक है मैं आपको वैक्स दिखाती हूँ कि हमारी वैक्स गर्म हो गई है और कंसिस्टेंसी कैसी होती है जी हमारी वैक्स मैंने इनको गर्म पानी में रख लिया है ठीक है अभी थोड़ी देर में ये और मेल्ट हो जाएगी ये हमारी सॉफ्ट वैक्स है कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं अभी है थोड़ी सी और रनी होगी तो हम इसको यूज करेंगे और यह है जी हमारी पील ऑफ वैक्स इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट है तो चले हम पहले पील ऑफ वैक्स यूज कर लेते हैं उसके बाद सॉफ्ट वैक्स यूज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो है मैं टेलकम पाउडर लगा रही हूँ ठीक है ये हमारा जो टेलकम पाउडर है ये आईक्यू ऑर्गेस वैक्स के साथ आपको सारी चीजें मिलती है जो जो चीज़ें आप लेना चाहो पाउडर भी मिलता है आपको और सूदिंग मोइस सूदिंग मॉइस्चराइजर जो होता है इसका वो भी मिलता है आपको टोनर फॉर्म में है वो तो आप वो भी लगा सकते हो ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट देता है वो ठीक है तो मैं फोर हेड को और और कहीं पे तो बाल आए नहीं है अभी तक तो मैं अपर लिप्स के ऊपर हल्के हल्के से बाल आए हुए तो मैं वो वाले बाल जो है आपको वेक्स करके दिखा देती हूँ और आईब्रो के ऊपर वाला एरिया जब आप इसको देर से उतारते हो तो ये ड्राई हो जाती है इसको फोरन से लगाना होता है और फोरन से ही उतारना होता है इसको क्योंकि फोरन ड्राई हो जाती है मैं आपको इसका सैंपल जो है ना एक देती हूँ अब ये देखिए मैंने इस स्टिक पे ले लिया इसको और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी आप हल्का सा चेक भी कर सकते हो कि बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है स्किन ही जल जाए आपकी तो बहुत ही केयरफुली

ऐसे क्योंकि हमने फौरन से उतारा है तो इसलिए एक एक बाल इसके अंदर आ गया है बकायदा बाल जो है ना यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं इसके साथ साथ ये ये आप लोगों ने वैक्स किस कंसिस्टेंसी में थी जब मैंने इसको अप्लाई किया और जब अप्लाई करते हैं तो ये हल्की सी ड्राई होना शुरू जाती है और फौरन से से उतर जाती है है क्योंकि पील पील ऑफ वैक्स तो बहुत अच्छे से पील होती है ये लेकिन आपने इसको ड्राई होने नहीं देना की टूट टूट के उतरे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ अब मैंने इसको उतारना है तो जो वैक्स आप यूज कर लेते हो उसको आपको फेंक देना चाहिए दोबारा री करना नहीं चाहिए ठीक है अब मैं अगेन जो है इसको मिक्स करके स्टिक पे ले रही हूँ अच्छे से ताकि उसकी फॉरवर्ड पे अपलीकेशन कर सके और फॉरवर्ड पर जो है मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से पील ऑफ हो रही है ठीक है इसके बाद जो है बहुत ही केयरफुली मैंने फॉरहेड पे इसकी एप्लीकेशन की है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड टेस्ट करके वॉइस ओवर कर लिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो तो आपने अपने बालों को अच्छे से, से सिक्योर कर लेना क्योंकि मैं काफी टाइम से वैक्स कर रही हूं तो मुझे प्रैक्टिस से मैं अपने आईब्रोज भी बचा लेती हूँ और फॉरहेड भी बचा लेती हूँ मैं बहुत डीप नहीं जाती हूँ फॉरहेड पर जितनी जरूरत होती है उतना करती हूँ हाथ लगाना आपको नजर आ जाएगा अच्छा भाई अब वैक्स पे जो है वो हाथ नहीं चिपक रहे अगर आप उससे ज्यादा ड्राई करोगे तो आपको पेन होगा अगर आप ज्यादा ड्राई नहीं करोगे तो आप जैसे मैं उतार रही ना आराम से आपको नजर आ रहा है इस तरीके से आप ये देखे कितने आराम से उतर गई ये ये एक, -एक बार उतर गया इसके अंदर मेरा अब जो यहाँ पे लग गई है ना ये इसको भी हम तरीके से उतार लेते हैं ऐसे ये देखें तो हमारी आईब्रो की शेप भी निकल आई है एकदम से हमारा फॉरहेड क्योंकि मैं फॉरवेड पर वैक्स जो है ना ऊपर नहीं करती हूँ मैं अपनी माथा गंजा गंजा सा लगता है तो बस यहीं तक की करती हूँ कहीं कोई वैक्स का पीस भी नहीं रहा कोई चिपचिप -चिप नहीं है अच्छे से जो है वो साफ हो गया ठीक है अब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ अपना सूदिंग मिस्ट ये है जी हमारा सूदिंग मिस्ट आई की ऑर्गेनिक का और इसको हम लगाने लगे हैं और ये मैं डेमोस्ट्रेशन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने लेजर शेयर किया था तो उस उसपे काफी लड़कियां बोल रही थी कि काफी प्लीज वैक्स की प्रॉपर एप्लीकेशन शेयर कर दें हम लोग लेजर डिवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि

आलोक डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैं अब इसको अप्लाई करूंगी ऐसे ये देखें ऐसे क्योंकि ये स्ट्रिप वैक्स है और इस हाथ पे मैंने रेजर किया था रिव्यू के लिए क्योंकि मैं एक हाथ पे वो लेजर कर रही थी और एक पर रेजर तो इस हाथ पे बाल भी सही <laughs> जंगली हो जैसे बाल आए हैं <laughs> कहने लगी थी जानवर हो जैसे पर जानवर को मैंने देखे नहीं मैं बहुत मर्दों वाले बाल आए हुए ठीक है अब देख हमारी अप्लीकेशन हो गई है स्ट्रिप लेनी है आप स्ट्रिप की सीधी उल्टी साइड देख लें कि सीधी साइड कौन सी उल्टी साइड कौन सी है ठीक है आप इसको लगाएं थोड़ी सी आपने स्ट्रिप्स को पकड़ने के लिए जगह भी छोड़नी है क्योंकि अभी मैं लेफ्ट हैंड से करूंगी राइट हैंड पर लगी हुई है थोड़ा सा मसला होगा मुझे करने पे बट क्योंकि इनकी वैक्स के रिजल्ट काफी अच्छे हैं और प्राइस भी काफी इकोनॉमिकल हैं और बेस्ट वैक्स है ये हल्का सा और उसके बाद ऐसे जब हम इसको खींचेंगे तो इस तरीके से एक एक बाल आपको नजर आएगा आ रहा होगा ये देखें सारे के सारे बाल उतार लेती है ये सारी करनी है अभी देखें मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ फिर भी आप देखें किस तरीके से नीट वैक्स हो रही है तो आई क्यू ऑर्गेनिक की वैक्स मैंने इसलिए पहले भी आपको रिकमेंड की थी कि ये बहुत इजी टू यूज है आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं आपको कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी पेन भी नहीं होगा ये देखें वन टू ऑल सारे बाल उतार लिए इसने देख लीजिए इस एरिया पे मैंने लगाई थी वैक्स स्ट्रिप और यहां से सारी वैक्स उतर गई है एक ही पट्टी से मैंने की है और सारे बाल निकल गए और जो साइडों पे बाल है वो आपको पूरी एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी कि इस साइड पे कितना ज्यादा बाल है और मैंने आपको स्ट्रिप के अंदर भी बाल दिखा दिया था कि आपको डिफरेंस जो है वो वाजहा नजर आ जाए तो ये जो दोनों वैक्स है आईकी और गायनिक है टेस्टेड है, है मैंने इसको अपने ऊपर अपनी बहन के ऊपर अपनी नंद के ऊपर वकाश के ऊपर भी टेस्ट किया था उनके दाड़ी के बाल पील ऑफ किए थे मैंने क्योंकि मर्द आपको पता है शेव करवाते हैं तो वो नाई के पास वकाश नहीं जाते घर पर करवाते करते हैं मोस्टली तो उनकी लाइन जो है वो मैं सीधी करती हूँ वैक्स से या थ्रेडिंग से तो वकाश तो इतने नाजुक है तो वो बहुत चिखते चलाते हैं लेकिन इस वैक्स से उन्होंने आराम से करवा लिया था क्योंकि इतना ज्यादा पेन नहीं करती दूसरी चीज ये कि आपको करने का वे भी आना चाहिए तो मैंने आपको सारा बता दिया स्टार्ट से लेके एंड तक कि आपने कैसे करना है कौन सी वैक्स बेस्ट है पहले क्या लगाना है बाद में क्या लगाना है हमेशा बालों के डायरेक्शन में वैक्स लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं उससे बाल भी कम आता है और अगर आप पाउडर लगा लेते हो वैक्स से पहले तो आपका बाल दरमियान से टूटता नहीं है और अंदर की तरफ नहीं मुड़ता और इसलिए आपको इनग्रोन हेयर भी नहीं होते सोदिंग मॉइस्ट लगाते हैं तो उससे क्या होता है कोई भी इंफेक्शन हो कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो भी आपका मर जाता है और आपको इश्यूज नहीं बनते कोई इच्नस रेडिशनेस बम्स नहीं बनते आफ्टर वैक्स ठीक एक, एक बाल जड़ समेत खेच देती है स्किन आपकी व्हाइट निकल आती है अंदर से डस्ट ड और टैनिंग हुई होती है ना वो भी खींच लेती है आपका वीडियो के नेम पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा वहां जाके आप लोग बाय कर सकते हो कोड लगवा दिया है मैंने वेबसाइट पे आप सब लोगों के लिए और आई विश के वो वेक्स पे भी चल रहा हो कोड तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो ये मेरी आज की वीडियो थी आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ऐसा आती है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लड़की का अपना ढेर सारा ख्याल अल्लाह हाफिज